तो ये आ चुका है हमारा मिनी कश्मीर। तो अभी आए हैं छत पे एंड थोड़े बहुत रेडी हो चुके हैं, कपड़े वपड़े पहन लिए अच्छे वाले, मुंह वो धो लिया है। और ये नीतू आ गई है यहाँ पे, शक्ल देखने छोड़ी की, अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है। तो बेसिकली बात ये है कि हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा मार्केट किसी काम से, मैं, मम्मी, नीतू और भैया। तो गाइस सभी का स्वागत है व्लॉग के अंदर, होप करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मस्त मज़े कर रहे होंगे अपने अपने घरों में। और हम भी देख लो कितने मज़े कर रहे हैं घर में, छत पे बैठे हैं मस्त मज़े ही। गर्मी में कौन मज़े करता है, गर्मी में तो गर्मी में मरते हैं। मैं तो कर लेता हूँ, मैं तो हर सिचुएशन में मज़े कर लेता हूँ, कोई भी सिचुएशन हो, बस इंसान का दिमाग खुला हुआ होना चाहिए मज़े करने के लिए। इसलिए कोई भी सिचुएशन हो, मज़ा करना इज़ नॉट अ बिग डील फॉर मी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आपके टॉन्ट को। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो मम्मी ने यहाँ पे है ना, ये दलिया है। तो मम्मी ने बेसिकली इस दलिया को, इसके अंदर इल्लियाँ थी जो गेहूँ के कीड़े होते हैं ना, वो उनको निकालने के लिए धूप में रखा था छत पे, तो वो तो निकल गई। पर ये दूसरी चीज़ देखो, ये देखो चीटे ही चीटे देखो। अब ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली इसको उठा रहे हैं और यहाँ से इस दीवार के जरिए यहाँ से नीचे, ये देखो। तो ये इस दीवार पे देखो पूरे पे चीटे चीटे दिखेंगे आपको। तो ये लेके यहाँ से पूरी लाइन बना रखी है और देखो वो सामने वहाँ पे ले जा रहे हैं उस जगह पे, वहाँ पे इनका घर है, उस दीवार तक, उस दीवार, वहाँ पे इनका घर है, वहाँ तक ले जा रहे हैं। देख लो कैसे चोरी, दिन दहाड़े चोरी की जा रही है यहाँ पे, मतलब दिन दहाड़े चोरी की जा रही है यहाँ पे गेहूँ की, और कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। देख लो यहाँ से भी आ रहे हैं कहीं से, ये देखो यहाँ से भी आ रहे हैं। देखो कितना भयंकर तरीके से इन्होंने लाखों की संख्या में देखो चीटे हैं, दिन दहाड़े चोरी कर रहे हैं और कोई कुछ कहने वाला नहीं है। ये देखो, तो चलो चलते हैं, हम लेट हो रहे हैं, टाइम हो गया है 7:45। चलो शूज़ पहन लिए, अब मैं निकल रहा हूँ मार्केट के लिए, मिलते हैं आपसे फिर बाद। तो भैया अपना फ़ोन ही भूल गए बताओ, अब वापस गए हैं लेने, हम लोग जा रहे हैं आगे। और देखो शाम के टाइम पे कितनी चहल पहल रहती है हमारे गोने रोड पे। मेरा हेलमेट है ना लूज़ है मेरी खोपड़ी में, तो है ना ये गोप्रो के वेट से है ना आगे की तरफ झुक जाता है। खोपड़ी मोटी कर लो ना, खोपड़ी और थोड़ी ना मोटी होती है कोई। तो अब आ चुके हैं अभी बदबू वाली जगह पे, बहुत भयंकर बदबू आती है इस जगह पे, मैंने बताया था आप लोगों को। तो ये आ चुका है हमारा मिनी कश्मीर, जहाँ पे बहुत तगड़ी ठंड पड़ती है। और ये देखो पूरा जंगल ही जंगल है इस तरफ, इस वजह से, और पूरी हरियाली हरियाली है, तो यहाँ पे भयंकर ठंड पड़ती है सर्दियों के टाइम पे। मतलब सर्दियाँ आनी होती है ना, उसके यहाँ पे 2 महीने पहले से यहाँ पे ठंड पड़ना स्टार्ट हो जाती है। अब देख लो इतना तगड़ा इलाका है ये। और ये है सिसोदिया रानी का बाग राइट में, मेरे राइट में, यहाँ पे बहुत प्यारा गार्डन है ये सिसोदिया रानी का, और मतलब फैमिली के लिए बहुत पीस वाली जगह है ये सिसोदिया रानी का बाग। और ये मेरे लेफ्ट में है विद्याधर जी का बाग, ये वाला देख लो, इसमें भी कई मूवीज़ की शूटिंग हो चुकी है और उसमें भी। और ये वाली है मेरी फेवरेट जगह, जहाँ पर ये छतरियों के बीच में से रास्ता निकल रहा है, तो ये मेरी सबसे फेवरेट जगह है। ये जो विद्याधर जी का बाग है ना, इसको, इसके अंदर जाने का टिकट वगैरह का जगह रास्ता जो है वो ये है, यहाँ पे, यहाँ से टिकट मिलता है, फिर अंदर जा सकते हो आप लोग। बच्चों को कैसे बिठा रखा है, और यहाँ पे जो है पुराने घर बने हुए हैं ये राजा महाराजा के टाइम पे, तो ये मेरे को काफ़ी सुंदर लगते हैं। मेरे को ओल्ड चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, बिकॉज ओल्ड इज़ गोल्ड, सो आई एम ए फॉन्ड ऑफ ओल्ड थिंग्स। ये भी राजा महाराजा के टाइम पर मंदिर बना हुआ है ये बिहारी जी का।
और इन घरों के अंदर जो राजा महाराजा के टाइम से जो लोग रहते थे ना रेंट पे, वही लोग अभी तक रहते हैं। मतलब उनकी पीढ़ियाँ ही पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ रही जा रही हैं। ये है नाहर सिंह बाबा का मंदिर, ऊपर आपको दिख रहा हो तो ये है अंडर पास ट्रांसपोर्ट नगर का। तो ये भी काफ़ी सुंदर लगता है, देखो इसको हेरिटेज लुक दिया गया है अंदर से, तो छतरियाँ बना दिया, छतरियाँ टाइप हेरिटेज लुक देने के लिए इसको अंदर से। देखो कितना सुंदर दिखता है। हमारे जयपुर का जो मेन अट्रैक्शन है वो है हेरिटेज, तो राजा महाराजाओं की फील देने वाला जयपुर। तो मुझे ये वाला रास्ता भी काफ़ी पसंद है, जहाँ पे ये डिज्नीलैंड जैसी एक अपार्टमेंट है ये दिखता है, पता नहीं क्या है, ये रेस्टोरेंट है या पता नहीं क्या है, और ये काफ़ी सुंदर दिखता है। वो सामने है पिंक स्क्वायर मॉल, जिसके अंदर हम कई बार मूवी देखने जाते हैं, कुछ खाने जाते हैं, पिज़्ज़ा वगैरह बर्गर वगैरह, तो वहीं जाते हैं। तो गाइस अभी मैं हूँ पिंक स्क्वायर के सामने, और मैं जा रहा हूँ अभी पिंक स्क्वायर के सामने वाले जो खड़ियाँ लगती है ना, जहाँ पे मोमो वगैरह फेमस है, वहाँ जा रहा हूँ। मम्मी भैया और नीतू को मैंने छोड़ दिया है जहाँ पे हमको जाना था वहाँ पे, तो वो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे कुछ काम है एक्चुअली, वो आपको अभी नहीं बताएंगे। तो ये देखो ये है पिंक स्क्वायर, ये पिंक स्क्वायर है, और ये इधर लगते हैं सारे ठेले वगैरह, मोमो बर्गर चाउमीन सब यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ के मोमो बड़े फेमस है, मोमो तो हमने अभी जाते हुए चख लिए थे, तो अब मैं यहाँ पे टेस्ट करने आया हूँ, रोल टेस्ट क्या खाने आया हूँ। सो गाइस अभी सिटी से आ गए हैं और काफ़ी लेट हो गए हम वहाँ पे, लगभग हमको लग गए वहाँ पे, हम लोग गए थे 6:30 बजे के समथिंग गए थे, और देख लो हमको बज गए 10:30। मतलब बहुत टाइम लग गया, कुछ इम्पोर्टेंट काम था वो आपको अभी बता नहीं सकते हम लोग, और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या चल रहा है। बहुत बड़ा घपला चल रहा है, ये देखो ये घपला चल रहा है यहाँ पे, ये बनाई जा रही है फाइल, और वो किसकी है पता है, आपकी फाइल है और मैं बना रही हूँ। देख लो ये घपला चल रहा है यहाँ पे, आपके खातिर आंखें फोड़ रही हूँ, मेरी आंखें फूट गई, आंखें इसको आंखें फोड़ना है तो बोलते हैं। देखो क्यों इसमें क्या दिक्कत है, इतना छोटा छोटा देख रही हूँ, देखो ये नहीं तू खा रही है, ये देखो। अगर किसी को इसका नाम पता है तो हाँ कमेंट करके बताना, बताना ये क्या है। देखो मैं थोड़ा और दिखा देता हूँ क्लोज से आप लोगों को। हाँ लेकिन खाना मत उठा के मुट्ठी में, वापस इसी में डाल दो यार, क्योंकि आप ऐसे करते दिखाने के बहाने खा जाओगे। ये देखो ये है, इनका नाम बताना आप लोग कमेंट में, ये क्या दिख रहे हैं आपको, ठीक है। हाँ वापस डाल दो। तो मैंने डाल लिए, पर मेरे मुँह में बहुत टेस्टी है। इसका टेस्ट आप लोगों को बता देता हूँ, थोड़ा खट्टा मीठा सा टेस्ट है, और इसमें बीज होते हैं, काफ़ी टेस्टी है। आप लोगों को पता है तो आप कमेंट करके बताना ये क्या चीज़ है। आई फुटेज खाओ बैठी है यहाँ पे, जो कैमरा ऑन होते ही आ चुकी है। हाँ कैमरा ऑन नहीं था, ऑन नहीं था तो वहाँ पे थी मम्मी के पास, और देखो कैमरा ऑन होते आ गई यहाँ पे। गाइस फुटेज खाओ, अभी भी बैठी है यहाँ पर, ये नहीं है कि बेइज्जती हो रही है, उठ के चल जाओ। सो शिट, आज हम लोग करने वाले थे रोटी चैलेंज, पर वो मिस हो गया क्योंकि आज हमको टाइम मिला नहीं बिल्कुल भी। कल कोशिश करेंगे बिल्कुल रोटी चैलेंज करने की। एक बैड न्यूज़ है कि अभी मैं जो शूट कर रहा हूँ वो शूट कर रहा हूँ मेरे DSLR से, और बैड न्यूज़ ये है कि हमारा GoPro जो है वो ख़राब हो चुका है। मैं खेल लूँगा इससे, मेरा हमारा प्यारा दुलारा GoPro जो कि ऑन नहीं हो रहा है। मैं खेल लूँ अब इससे, देखो ऑन नहीं हो रहा। इसके बारे में जो है अभी बात चल रही है मेरी कंपनी से, देखते हैं वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं इसके लिए, क्योंकि ये ऑन नहीं हो रहा है। एक बार ऑन हो जाता है तो फिर इसको ऑफ मत करो, ऑन ऑन में ही रिकॉर्डिंग कर लो, बट इसको ऑन भी कितनी देर तक रखें। ये फुटेज खाओ की छोटी बहन आ चुकी है, देखो वहाँ से रोती रोती आई है, यहाँ पर सैम देवांशी तो जा चुके हैं क्योंकि उनका एग्ज़ाम है, कल सुबह जल्दी उठना है उनको, और मैं भर लेता हूँ कूलर क्योंकि ये तो बना रही हैं फाइल, तो इनको तो टाइम है नहीं, तो मेरे को ही भरना पड़ेगा। तो चलो कूलर भरते हैं। सबसे पहले पाइप निकालते, पूरे पैर गीले हो गए मेरे, इसको लगाते हैं कूलर में। एक हाथ से लगाना बहुत मुश्किल है, पर मैं भी एक हाथ चैलेंज करता हूँ, देखते हैं मुझसे एक हाथ से लग पाता है या नहीं लग पाता। ये देखो शिट, ओ शिट शिट गया, एक हाथ से मैंने जो है कूलर में पाइप सक्सेसफुली लगा दिया है। इसको थोड़ा और अंदर डालता हूँ,
थोड़ा और अंदर डालता हूँ उसको ताकि ये बाहर ना आए, और इसको हम लोग बाहर ना आने के लिए यहाँ पे इस विंडो में टिका देते हैं, इस तरीके से टिका देते हैं और इसके अंदर पाइप लगा देते हैं जिससे फिर ये पाइप बाहर नहीं आता। तो चलते हैं, पहले अब मैं मोटर ऑन कर देता हूँ दो बटन। तो अभी कूलर में जो है पाइप लगा दिया है और ये पानी भर रहा है इसके अंदर। देखो गोप्रो को माउस की तरह यूज़ कर रहा हूँ मेरे को लगा यहाँ पे माउस रखा हुआ है। DSLR पे पानी चला गया, मेरा ध्यान भी नहीं गया। देख अब इसको साफ़ करना पड़ेगा। सो गाइज, एज यू नो मैंने जो है अपने चैनल पर सब्सक्राइबर्स जो है हाइड कर रखे हैं, तो काफ़ी लोग कमेंट्स करके पूछते हैं कि आपके कितने सब्सक्राइबर हैं, कितने सब्सक्राइबर बताओ। तो मैं आज बता देता हूँ कितने सब्सक्राइबर्स हैं। तो हमारे अभी हो गए हैं 320 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं आज 5 मई पाँचवा महीना, और 2022 तक जो हमारे 320 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। अभी पानी भर चुका है तो फटाफट मोटर बंद करके आता हूँ। पाइप को निकालो बाहर सुरक्षित, थोड़ा भी एक बूंद भी पानी जो है बाहर नहीं गिरना चाहिए, अदरवाइज हमारा प्रिंटर वगैरह सब गीला हो जाएगा ये। चलो 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 बाहर, चलो बाहर आ जा, बाकी का पाइप भी बाहर आ जा। तो गाइस हमारे घर में तो पाइप की सुविधा है, पर काफ़ी लोगों को जो है बाल्टी से ही कूलर के अंदर पानी भरना पड़ता है, जो मेरे को पता है काफ़ी मेहनत वाला काम होता होगा। आज तो पाइप से भरने में आपको कितना हुआ है ना? क्योंकि मेरे को तो पाइप से भरने में इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा तो मैं जानता हूँ बाल्टी से भरने में कितना जोर आता होगा, कितने एफर्ट्स लगाने पड़ते होंगे। आप लोगों का दुख मैं समझ सकता हूँ गाइस। और हाँ, पानी सेव करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से अभी देखो लाइट की कमी पड़ रही है हमारे इंडिया में, आप लोगों को पता है मॉर्निंग में भी और आफ्टरनून में भी लाइट कट होती है, वैसे ही देख लेना एक दिन पानी का भी आप लोगों को कट झेलना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी से पानी बचा के चलो, बिजली तो हमने वेस्ट कर दी समझ लो, और पानी हम बचा सकते हैं, जो अपने पास है वो हम अभी बचा सकते हैं, और जो हम खो चुके उस पर रिग्रेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो अभी है उसको बचाओ, तो पानी कम वेस्ट करो। आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ, पानी बचाओगे तो ही बिजली बचा पाओगे, और पानी बचाओगे तो ही बिजली बना पाओगे। ओके, सो नीतू की तरफ से एक ज्ञान रोल करके मेरे मुंह पे फेंकते हुए। क्योंकि बिजली पानी से बनती है। कोयले से क्या बनता है? काफी हद तक बिजली है ना, कोयले से भी बिजली बनती है मानती हूं। आपको पता है क्या ये देश में बिजली का संकट क्यों आया है? क्यों आया? कोयले की कमी के कारण, ना कि पानी की कमी के कारण। पानी की कमी तो ऑलरेडी है, और आपको ये नहीं पता कि बिजली पानी से भी बनती है? बनती है, पर अभी जो संकट आया बिजली का वो कोयले की वजह से आया, ना कि पानी की वजह से। और आप क्या बोल रहे थे, एक दिन अपन को पानी का संकट भी झेलना पड़ेगा है? आपको पानी की सुविधा मिली तो इसका मतलब ये है कि लोगों को पानी की सुविधा मिल रही है, लोगों को पानी की सुविधा नहीं मिल रही। जो अपने ये बिसलपुर का पानी आने लग गया तो इसका मतलब ये तो ना है कि और लोगों के पास ही पहुंच रहा है, और लोग तो 10-10 किलोमीटर से जाते हैं और कुएं से पानी भर के लाते हैं, पता है? तो फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर से कॉल आ गया, तो एक बार बात कर लेता हूँ फिर कंटिन्यू करते हैं। मतलब ये कस्टमर केयर वालों का भी अलग ही स्वैग है। फ़ोन उठाया मैंने अपना, मैंने रीज़न को बताया, भाई मेरे को ये दिक्कत है, मैंने बोला एक मिनट के लिए कॉल होल्ड पे रखते हैं। मैंने कहा ठीक है, कॉल होल्ड पे रखा, 10 मिनट हो गई, लौटे ही नहीं। बताओ ये इनका अलग ही स्वैग चल रहा है। रिवर्ट तो दे किसी इंसान को जो वेट कर रहा है, मतलब 10 मिनट वेट भी करवाया, जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व नहीं करी, और जयराम जी। तो अभी गाइस नीतू गई है खाना लेने के लिए, तो मैं खाना अब खाऊँगा। टाइम देखो 11:15 हो गए हैं और अब खाना लेके आए हैं, इतना बिजी डे था। तो आज खाने में बनी है मेरी सेमी फेवरेट सब्जी, आज बनी है भिंडी एंड रोटी, सादा रोटी सब्जी है। कोई अमीर जैसे ताम झाम तो है नहीं कि हाँ ये वो, सादा रोटी सब्जी है, भिंडी की सब्जी और रोटी, जो कि भिंडी मेरी सेमी फेवरेट है, और सबसे ज़्यादा फेवरेट है टमाटर की सब्जी, तो ये आती है 2nd नंबर पर। तो मैं खा लेता हूँ फटाफट, फिर आपसे मिलता हूँ। अभी खाना वाना सब खा लिया है, रात के बज गए हैं 12, एंड अब मैं बैठ रहा हूँ एडिटिंग करने, एंड अप्रॉक्स 2 आवर्स में एडिटिंग कंप्लीट हो जाएगी, देन रेंडरिंग, देन अपलोडिंग। सो सुबह आपके पास देखने को मिल जाएगा, जैसा भी बना चला लेना। अभी मैं एडिटिंग कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ कंप्लीट करने के बाद। तो गाइस अभी रात के बज चुके हैं 2, और मैंने अभी एडिटिंग कंप्लीट कर ली है, तो सुबह आप लोगों को 8:15 ब्लॉग देखने को मिल जाएगा। सो गाइज अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। Let's go.